मंत्री कार्यालय मालथोन में जनसुनवाई का हुआ आयोजन। संबल योजना अंतर्गत 9 हितग्राहियों को 18 लाख सहायता राशि स्वीकृत। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथोन स्थित मंत्री कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में मंत्री प्रतिनिधि के रूप में राम कुमार सिंह बघेल, सांसद प्रतिनिधि राव राजा राजपूत एवं अन्य जन प्रतिनिधियों ने सुनवाई की। इस अवसर पर मंत्री स्टाफ भी उपस्थित रहा। ज्ञात हो कि प्रति शनिवार मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार मालथोन में जनसुनवाई का आयोजन जारी है। हमारे ग्राम धोरई में मृतक बुंदेल सिंह यादव की अंत्येष्टि एवं समर योजना के तहत 2 लाख का चेक मंत्री माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा हितग्राही बुंदेल सिंह के पिता श्री गंगाराम यादव को दिया गया। 2 लाख रुपए की संबल योजना के तहत कितने लोगों के? 2 लोगों के लिए दिया गया। एक तो अशोक यादव की पुत्री का स्वर्गवास हो गया था, तो उसके लिए अंत्येष्टि सहायता 5000 रुपए दी गई। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को निराकरण हेतु संबंधित विभागों को भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार अनेक आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। आज की जनसुनवाई में संबल योजना अंतर्गत ब्रजरानी अहरवार बेसरा, हेमा बाल्मीक मालथोन, रामप्यारी आदिवासी अंडेला, रसोई वाली आदिवासी अंडेला, गंगाराम यादव कुंवरपुरा, देसरानी खंगार डबडेरा, शकुनबाई अहरवार मालथोन, रामकली लोधी अंडेला, चिरगांव वाली अंडेला को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत के आदेश सौंपे गए हैं। जनसुनवाई में प्रमुख रूप से कोमल यादव बरोदिया कला, पुष्पेंद्र सिंह शिवराज सिंह, गजेंद्र सिंह लोधी, वीरेंद्र बीर सिंह यादव, बलराम सिंह बरोदिया कला, हरिनारायण कुशवाहा, गोलू प्रताप सिंह, संतोष अहरवार सहित मंत्री स्टाफ से राजू भट्ट, बंटी श्रीवास्तव, टीनू गुप्ता, परवेज खान एवं ओम प्रकाश तिवारी सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के लिए मालथोन से सुरेंद्र जैन की रिपोर्ट।